नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डीमार्ट रेडी ऐप के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आज हम देंगे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ए टू जेड डीमार्ट ऐप के बारे में। इंस्टॉल से लेके डाउनलोड से स्टार्ट से लेके जब तक ऑर्डर आपके घर में आता है। जी हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आपको ये ऐप जो डाउनलोड करनी है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। आपको डीमार्ट लिखना है और ये आपके पास ऐप ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको जब ऐप ओपन हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको अपना पिन डालना है, जो आपका लोकल एरिया का पिन है, जहाँ आप सर्विसेज चाहते हो डीमार्ट की। जैसे देखो, ये मैंने ये अपना पिन एंटर किया है यहाँ पर, ये देखिए मैंने अपना पिन एंटर कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको जिस एरिया में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको पिन एंटर करना है अपना, और उसके बाद प्रोसीड कर देना है आपको। ये देखिए एंड फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड कर दोगे, ये ऊपर जो तीन डॉट बने हुए हैं राइट हैंड साइड में एक बास्केट के पास, आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में नहीं, राइट हैंड साइड में बने हुए हैं तीन डॉट, सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पर आपको अगर ऑलरेडी बना है तो साइन इन, नया है तो रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको ये अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, और पासवर्ड पे भरना है आपको। और उसके बाद आई एग्री कर देना है टर्म एंड कंडीशन और रजिस्टर का बटन दबा देना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा और आप ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाओगे। ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोस्तों। ये देखिए पूरी डिटेल आपको भरनी है, जो भी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं डीमार्ट रेडी का, तो आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से प्रोसेस कीजिए सारा ये। तो ये देखिए, जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं OTP के बाद, आप इसमें ऐप में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे। जी है, और उसके बाद आपका साइन इन दिखाएगा। अब दोस्तों हमने देखना है कि ये जो मेन्यू है, मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन आती है। सबसे पहले आ रहा है माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल में आपका देखिए दोस्तों, जो आपकी डिटेल है, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। ये आप अगर आपने चेंज करना है तो इन्फॉर्मेशन आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। ये सारा वेरीफाई करेगा आपके OTP के साथ ये। देन उसके पास ऑप्शन है माय एड्रेस, एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, जो भी एड्रेस है आपका, जो आपने एड्रेस भरा है। फिर उसके बाद माई ऑर्डर्स, माई ऑर्डर्स में आपके ऑर्डर के जो डिटेल है सारी दिखाता है, अगर आपने प्रीवियस कोई ऑर्डर किया है तो वो सारा इसमें दिखाता है। देन उसके बाद है पासवर्ड, इन केस आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप पुराना पासवर्ड के बाद। देन न्यू पासवर्ड, देन अब देखते हैं कि इसके बाद जो इसमें है, उस माई लिस्ट है, माई लिस्ट में जो आप शॉपिंग की लिस्ट बनाते हो वो है सारा कुछ, देन साइन आउट। देन फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम इसमें अब ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ऑर्डर से पहले देखते हैं, ये देखिए ये है कि आप यहाँ से ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर कैसे करना है अपने डीमार्ट रजिस्ट्रेशन के फिनिश होने के बाद। ये देखिए, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स सारे लिस्टेड हैं, उनका MRP लिखा है, प्राइस लिखा है, ये लिखा है कितने प्रोडक्ट आपने पैसे उसमें सेव किए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने कार्ट में। और ये देखिए सारा, जैसे मैं आपके सामने ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस ताकि आप इजीली सीख पाएँ डीमार्ट ऐप को चलाना और कैसे ऑर्डर करना है। ये देखिए, ये है सेल्फ पिकअप। अगर आपको सेल्फ पिकअप स्टोर में से जाके उठाना है स्टॉक, ये डिलीवरी, तो वहाँ पर सेल्फ पिकअप है, अदरवाइज आपको होम डिलीवरी का ऑप्शन है। डिलीवरी चार्जेस भी आपको बता दिए हैं, 49 रुपीज़ है मिनिमम, या फिर मैक्सिमम है 3% ऑफ द टोटल बिल। ये दोस्तों मैंने होम डिलीवरी सेलेक्ट किया है, अब ये मेरे एड्रेस आ गया। अब ये टाइम स्लॉट आएगा यहाँ पर, टाइम स्लॉट हमारे पास देखो यहाँ पे 2 दिन का टाइम स्लॉट है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर स्लॉट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये मेरी ऑर्डर समरी दिखा रहा है, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर शॉपिंग कार्ट में ऐड किए हैं। देन आपको प्रोसीड पेमेंट करना है। पेमेंट मोड इसमें फ्रेंड्स अभी कैश ऑन डिलीवरी है, क्योंकि सिर्फ ये अभी कैश ऑन डिलीवरी ही ले रहे हैं, और कार्ड के थ्रू पेमेंट आप तब करनी है जब स्टॉक आपके पास घर में पहुंचेगा, जो भी आपने ऑर्डर किया है। ये देखिए मेरा पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि 1451 मुझे पे करना है, मैंने कन्फर्म कर दिया है यहाँ पर। देन अभी नेक्स्ट करना है इसको,
ये देखिए, ये आप यहाँ पर जनरेट हो गया है मेरा ऑर्डर नंबर, यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ गया है, लिखा आ गया है कि योर ऑर्डर नंबर 700 प्लेस सक्सेसफुल, इट मीन्स ये मेरा ऑर्डर डीमार्ट के पास पहुँच चुका है। और अब मुझे वेट करना है दोस्तों कि मेरा ऑर्डर मुझे जब मिलेगा ये, देन उसके बाद अब हम सीखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीमार्ट में जो टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हैं यहाँ पर। ये देखिए अभी दिखा रहा है कि माय ऑर्डर में क्या क्या ऑर्डर हैं यहाँ पर। ये मेरा पुराना ऑर्डर दिखा रहा है, एक नया ऑर्डर दिखा रहा है। यहाँ से पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं ऑर्डर की कि कितना आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदे थे, क्या एड्रेस है, या ऑर्डर्स की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए तो अब हम बैक आ गए हैं उसके बाद डीमार्ट रेडी ऐप में। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, अगर आपने कोई भी यहाँ पर, ये देखिए अगर रिफंड टर्म एंड पॉलिसीज यहाँ पे लिखा है, अभी कुछ है नहीं, आपको नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना है जिसमें FAQs हैं। यहाँ पे ये FAQs हैं और जो टर्म एंड कंडीशन है डीमार्ट रेडी ऐप के बारे में, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे में हो, रेट्स हो, डिलीवरी चार्जेस कुछ भी हो, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आप इसे देख सकते हैं। मैं इसका अलग से वीडियो भी बना दूंगा टर्म एंड कंडीशन के बारे में, तो फिलहाल तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके जितने भी डाउट थे डीमार्ट रेडी ऐप के बारे में, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है और अपना स्लॉट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर